हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पीएनएम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी हलवा, वो भी दो तरीके का। हलवा तो सभी को पसंद होता है और ऊपर से नवरात्र का व्रत भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसी वजह से आज मैं बनाऊंगी व्रत स्पेशल हलवा दो तरीके का। अगर आपको हलवा मेरे पसंद आएगा तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, यह हलवा सभी को पसंद आएगा। इसे आप व्रत में या वैसे भी जब आपका मन हो तो बना करके खा सकते हैं। तो पहले हलवा बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं हम एक आलू जो कि उबला हुआ है, और दूसरा हलवा मैं बनाऊंगी लौकी से। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक छोटी सी लौकी, ये 200 ग्राम की लौकी है और एकदम फ्रेश ताजी है, तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे। तो ये एकदम सॉफ्ट है ये लौकी, इस वजह से मुझे पीलर का यूज नहीं करना पड़ा है। चाकू से छील करके तैयार हो गया है और इसे धुल भी लिए हैं। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। वैसे आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट करके बनाएंगे तभी ये गल जाएंगे, पर क्या है ना, हलवा में जब लच्छे होते हैं तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसे मैं जो है मीडियम साइज़ का जो ग्रेटर है मैं उसी से इसे ग्रेट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ना कि इसके लच्छे कितने अच्छे से खिल करके आ गए हैं। आप चाहें तो इसका पानी निचोड़ करके भी बना सकते हैं, पर क्या है ना, मैं ऐसे ही बनाऊँगी ताकि उसके जो विटामिन मिनरल्स है वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ क्योंकि व्रत में ही देसी घी से ही बनाया जाता है। मैं यहाँ पर ली हूँ एक ग्रीन इलायची, इसे इस तरीके से तोड़ करके डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे क्रश करके डाल सकते हैं या आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब ग्रेट किए हुए जो लौकी है उसको हम इसी घी में डाल देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि जो लौकी में पानी है वो निकल जाए, सूख जाए। यह हलवा खाने में जितना हेल्दी होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और साथ साथ हेल्दी भी। तो इसे ढक करके रख दिए थे पकने के लिए। 2 मिनट बाद देखिए जो लौकी का जो पानी है वो अच्छे से सूख गया है और लौकी भी हमारी जो है पक गई है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैं जो है 1 कप दूध का यूज कर रही हूँ जो कि फुल क्रीम दूध है, और इसमें गैस का फ्लेम जो है हाई कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे ताकि जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए और अच्छे से लौकी में मिक्स भी हो जाए, तभी जो हमारी लौकी का हलवा बनेगा ना टेस्टी बनेगा और एकदम क्रीमी क्रीमी बनेगा। मैं इसे और भी ज़्यादा टेस्टी क्रीमी बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करूँगी जब ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, तो यहाँ मैं 1/4 कप चीनी का यूज की हूँ। आप अपने अनुसार जो है कम या ज़्यादा चीनी रख सकते हैं, जैसे आप मीठा खाना पसंद करते हैं। वैसे हलवा जब मीठा रहता है तभी खाने में मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मावा, तो ये 1/2 कप मावा है, मतलब कि 50 ग्राम है। मावा डालने से नहीं, हलवे का टेस्ट एकदम दोगुना हो जाता है। इस हलवे को आप कभी भी व्रत में या वैसे भी जब भी खाने का मन करे कुछ मीठा तो बना सकते हैं, और इसके लिए कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लौकी तो सभी के घरों में नॉर्मली फ्रिज में मिल ही जाएगी, और इस समय जो है लौकी तो सीजन आ गया है तो ताज़ी ताज़ी लौकियाँ जो है मार्केट में मिलती रहती हैं। अब इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसमें हम डाल दिए हैं 1 पिंच ग्रीन फूड कलर। वैसे आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, पर क्या है ना, फूड कलर जब डाल देते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अगर इस हलवा को हम मेहमान को देंगे, बच्चों को टिफ़िन में देंगे या सुबह शाम ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो फाइनली ये हलवा बन करके तैयार हो गया है। गैस को कर देंगे बंद और अब हम करेंगे दूसरे हलवे की तैयारी। तो फिर हम सेम वही कढ़ाई ले लिए हैं साफ़ करके, और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा घी का यूज़ करूँगी क्योंकि जो आलू का हलवा बनता है ना उसमें घी जितनी ज़्यादा डालेंगे हलवा उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जो उबले हुए आलू थे उनको मैश करके हम डाल दिए हैं, और एकदम लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम इस तरह से चम्मच से दबाते हुए इसको जो है भूनेंगे। इस हलवे की खास बात यही है कि जितने ज़्यादा इसको हम भूनेंगे ये हलवा उतने ज़्यादा शाइनी और टेस्टी बनेगा। मेरे घर में तो ये हलवा सभी को पसंद आता है, खासकर मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और व्रत में जैसे कि इस सब तरीके से हलवा बना करके खा लेते हैं,
तो क्या होता है, थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है शरीर में और खाने में तो टेस्टी लगता ही है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि आलू, कहते हैं ना कि आलू सब्जी का राजा होता है, अगर कोई भी सब्जी बनाए और उसमें आलू ना पड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आलू सभी के घरों में मिलता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गांव में हो, शहर में हो, लेकिन आलू सभी के घरों में नॉर्मली मिलता ही है। अब इसमें हम डाले हैं चीनी, तो यहाँ 1/4 कप चीनी लिए हैं और आप देख ही सकते हैं ना कि आलू हमारे बहुत अच्छे से भून करके तैयार है। जितने ज़्यादा भूनेंगे हलवे का टेस्ट उतने ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो चीनी को भी हम आलू में इस तरह से मिक्स करके भून लेंगे, इससे सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाती है। आप चीनी को बाद में भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से जब हम पहले चीनी डालते हैं ना तो बहुत सौंधी खुशबू आती है। तो अब यहाँ पर डालेंगे दूध और लास्ट में मैं एक और चीज़ डालूंगी जिससे हलवा टेस्टी तो टेस्टी ही, शाइनी एकदम क्रीमी क्रीमी बन करके तैयार होगा। तो पहले हम दूध को इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे ताकि आलू और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मलाई, तो ये दूध की मलाई है, जो डेली घर में दूध आता है उसकी मलाई निकाल करके रख लिए थे। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच के करीब मलाई डाल दी हूँ और इस तरह से जब हम मलाई डाल करके भूनेंगे ना तो बहुत ही शाइनी हलवा बनेगा। तो इसे भी मैं थोड़ा सा कलरफुल बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं येलो फूड कलर जो है 1 पिंच डाल दी हूँ, इससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। और आप देख ही सकते हैं ना, दूध एकदम गाढ़ा होने लगा है और ये सूख करके तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाएंगे तो इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, वैसे आपको पसंद हो तो आप डालिए वरना आप ऐसे भी खा सकते हैं। फाइनली हलवा मेरा दोनों बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म इनको सर्व करते हैं। तो इस तरह से सर्व कर देंगे, वैसे आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख करके इसको आप 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता से, जिससे कि देखने में एकदम मार्केट में जैसे हलवा मिलता नहीं है सेम उसी तरीके से लगेगा। तो ये देखिए मेरा आलू का हलवा फाइनली बन करके तैयार है। और अब चलिए जो लौकी का हलवा है उसी भी सर्व कर देते हैं। तो यहाँ मैं इसकी भी प्लेटिंग कर लूँगी और इसे भी जो है जैसे मैंने आलू के हलवे को अच्छे से गार्निश किया है उस तरह से इसको भी हम बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देंगे, जिससे कि देखने में एकदम डेलिशियस लगेंगी। इस हलवे को आप मेहमान के आने पर नॉर्मल घरों में वैसे भी व्रत में कभी भी बना करके खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।